नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सालबुटामोल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सालबुटामोल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सालबुटामोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सालबुटामोल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सालबुटामोल टैबलेट का उपयोग अस्थमा होने पर, ब्रोंकाइटिस होने पर, एम्फाइसीमा होने पर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होने पर किया जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर को COPD भी कहते हैं। अस्थमा और COPD होने पर व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होना, सांस फूलना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, छाती में जकड़न और खांसी होना आदि लक्षण अस्थमा और COPD होने पर हो सकते हैं। सालबुटामोल टैबलेट वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफड़ों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है। सालबुटामोल टैबलेट को लेने के बाद फेफड़ों के वायुमार्ग चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीड़ित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। सालबुटामोल टैबलेट अस्थमा और COPD होने पर सांस फूलना और सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षणों को ठीक करती है और इन लक्षणों को रोकने में भी मदद करती है। सालबुटामोल एक सॉल्ट नेम है। सालबुटामोल टैबलेट को अस्थालिन आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। सालबुटामोल टैबलेट 2 mg व 4 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सालबुटामोल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में सालबुटामोल टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, चक्कर आना, शरीर में पोटेशियम का लेवल कम होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दिल की धड़कन तेज होना, त्वचा पर रैशेस, त्वचा पर खुजली और घबराहट होना आदि साइड इफेक्ट्स सालबुटामोल टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सालबुटामोल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सालबुटामोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 2 से लेकर 6 साल के बच्चों को डॉक्टर सालबुटामोल 1 mg से लेकर सालबुटामोल 2 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को डॉक्टर सालबुटामोल 2 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह दे सकते हैं और 13 से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 2 mg से लेकर 4 mg सालबुटामोल टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह दे सकते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को सालबुटामोल 4 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। सालबुटामोल टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सालबुटामोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सालबुटामोल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एंजाइना होने पर, दिल की धड़कन अनियमित होने पर, डायबिटीज होने पर और हाइपरथायरॉइडिज्म होने पर सालबुटामोल टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना सालबुटामोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। सालबुटामोल टैबलेट के साथ बीटा ब्लॉकर दवाइयां जैसे मेटोप्रोलोल, परोप्रेनोलोल और एटेनोलोल आदि दवाओं को सालबुटामोल टैबलेट के साथ लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सालबुटामोल टैबलेट को देना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सालबुटामोल टैबलेट को नहीं देना चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सालबुटामोल टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सालबुटामोल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सालबुटामोल टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए।